बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर माजी में भी पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की तारीफ कर चुकी हैं और इन्हें ना सिर्फ अपने लिए स्क्रीन पर सबसे मौजू शख्स करार दे चुकी हैं बल्कि इन्हें सुपरस्टार भी करार दे चुकी हैं। फवाद खान ने बॉलीवुड फिल्मों में सोनम कपूर के साथ फिल्म खूबसूरत के साथ कैरियर का आगाज किया था। इस फिल्म में फवाद खान ने एक शहजादे का किरदार अदा किया था जिनसे सोनम कपूर को मोहब्बत हो जाती है। अगरचे इस फिल्म की मरकजी कहानी हीरोइन के गिर्द घूमती थी, तहम फिल्म में फवाद खान की शानदार अदाकारी की वजह से इन्हें मुतअद्दिद बॉलीवुड फिल्मों में काम की पेशकश हुई और इन्होंने चंद ऑफर्स को कबूल करते हुए बॉलीवुड में भी खुद को मनवाया। खूबसूरत 2014 में रिलीज हुई थी और अब फिल्म की रिलीज के 5 साल बाद सोनम कपूर ने इस फिल्म और फवाद खान के हवाले से अहम इंकशाफ करके सबको हैरान कर दिया। अदाकारा ने इंकशाफ किया है कि खूबसूरत में उनके साथ कोई भी भारतीय अदाकार काम करने को तैयार नहीं था और उन्होंने सख्त मुश्किलात के बाद पाकिस्तान से अदाकार फवाद खान को बुलाकर अपना हीरो बनाया। फिल्म फेयर को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में सोनम कपूर ने बॉलीवुड में खवातीन की मरकजी किरदारों या कहानियों पर मुश्तमिल फिल्मों में दरपेश मुश्किलात और अकरबा परवी पर खुलकर बात की और इंकशाफ किया कि बॉलीवुड में कोई भी अदाकार खवातीन की मरकजी कहानी पर मुश्तमिल फिल्म में काम करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। सोनम कपूर ने इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने ना सिर्फ कैरियर के आगाज में बल्कि अब तक वो हर फिल्म के लिए ऑडिशन देती आ रही हैं और उन्हें फिल्मों में मेरिट पर कास्ट किया जाता है। उन्होंने इस तासुर को मुस्तरद किया कि वो अकरबा परवरी के तहत फिल्मों में कास्ट की जाती हैं। सोनम कपूर का कहना था कि जब उन्होंने 2007 में फिल्मी कैरियर का आगाज किया तो हर किसी ने उन पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये एक अदाकार घराने में सोने का चमचा लेकर पैदा हुई और इन्हें फिल्म में काम लेने के लिए किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अदाकारा ने बताया कि अदाकारा की बेटी होने के बावजूद उन्होंने 2007 में अपनी पहली फिल्म सांवरिया के लिए ऑडिशन दिया और मेरिट पर फिल्म में कास्ट हुई। सोनम कपूर ने बताया कि इसी तरह वो आज तक हर फिल्म के लिए ऑडिशन देती आ रही हैं और मेरिट पर हर फिल्म में कास्ट होती हैं। अदाकारा ने इंटरव्यू में बॉलीवुड में खवातीन की मरकजी किरदारों या कहानियों पर मुश्तमिल फिल्में बनाने में दरपेश मुश्किलात पर भी बात की और बताया कि किस तरह उन्होंने चंद ऐसी फिल्में बनाई जिनकी मरकजी कहानियाँ हीरो के बजाय हीरोइन के गिर्द घूमती हैं। अदाकारा ने वजाहत की कि उनकी 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म खूबसूरत की कहानी भी ऐसी ही है जिसमें हीरोइन का किरदार या कहानी हीरो से मजबूत था और इसी वजह से इस फिल्म में कोई भी भारतीय अदाकार काम करने के लिए तैयार नहीं था। सोनम कपूर ने दावा किया कि भारतीय अदाकारों के इनकार के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान को पाकिस्तान से बुलाया और इन्हें अपना हीरो बनाया। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।